नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम ऐसे स्टॉकों के बारे में बताएंगे जिनको खरीदने के बाद इन्वेस्टर ने पछतावा ही किया है, यानी ऐसे स्टॉक जिन्होंने रिटेल इन्वेस्टर की लंका लगा दी है। तो ऐसे स्टॉकों को अगर आपने खरीद लिया है गलती से या खरीदने की सोच रहे हैं तो आप बच सकते हैं। इन स्टॉकों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, ये आपके लिए फायदेमंद है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन स्टॉकों ने रिटेल इन्वेस्टर को लूटा है। तो सबसे पहली एक कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, इसने जी भर के लोगों को बर्बाद किया है। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। ये देखिए, इसका टॉप देख पा रहे हैं आप, 843 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। और कुछ दिन बाद ये कंपनी, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, थोड़ी नीचे आई। तो कुछ लोगों को लगा होगा कि ये फिर से यहाँ से उठेगी और फिर आपको पैसा बना के देगी। फिर क्या हुआ, लोगों ने यहाँ फिर से एडिंग स्टार्ट की और कंपनी फिर नीचे चली गई, 163 रुपये के ऊपर आ गई। और इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा अपसाइड इसने दिखाया तो लोगों ने यहाँ फिर एडिंग शुरू की और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से कंपनी नीचे आ गई। तो लगातार इस कंपनी ने क्या किया है, इन्वेस्टर को जी भर भर के लूटा है। ये देखिए, 82 रुपये, 85 रुपये, धीरे धीरे करके 33 रुपये, अब क्या आ गई, 2 रुपये 35 पैसे। और लास्ट में अब देखेंगे, थोड़ा सा इसका चार्ट में जूम करके देखता हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कुछ बचा भी है या नहीं। ये देखिए, 1 रुपये 75 पैसे, तो 1 रुपये 20 पैसे, ऐसे करके धीरे धीरे करके इस कंपनी ने आपको लूट लिया है। तो ऐसी कंपनियों से आपको दूरी बनानी है। तो दूसरी कंपनी देखते हैं। अब आप देखिए, एक और दूसरी कंपनी, ऐसी ही कंपनी जिसने जी भर के लूटा है स्टॉक मार्केट में पैसा। तो कौन सी कंपनी है, जीटीएल इंफ्राटेक्चर। तो जीटीएल इंफ्रा में क्या हुआ, आप देखिए, ये इसने हाई जो लगाया था 106 रुपये के आसपास लगाया, कंपनी नीचे आई, फिर कुछ उठने की कोशिश की, देखिए अपसाइड गई तो लोगों ने पैसा फिर से लगाया और फिर कंपनी में क्या हुआ, प्रमोटर ने फिर माल बेच के फिर कंपनी को नीचे लेके गई और उसके बाद फिर ऊपर लेके गए। यहाँ पे क्या किया, लोगों ने एडिंग की, हो सकता है कि ये फिर से ऊपर वाला जो आंकड़ा है यहाँ तक का छू जाए, परंतु क्या हुआ, मार्केट में कुछ फॉल आया और उसी के साथ कंपनी ने भी अपना पैसा निकाल लिया और मार्केट में इस कंपनी की हालत और पतली हो गई, यानी नीचे चली गई। कुछ दिन बाद कुछ और नीचे गई और आपने देखा कुछ बचे हुए प्रमोटर बचे थे तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को थोड़ा सा डंप करके ऊपर उठाया। और देखिए, यहाँ फिर से कंपनी ने 8-9 रुपये के आसपास हाई लगाया, लोगों ने सोचा अब की बार जरूर उठेगी, उसके बाद क्या हुआ, फिर कंपनी नीचे। तो ऐसे कर करके अब 1 रुपये 5 पैसे के आसपास ये चल रही है। तो ऐसी कंपनियों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपना पूरा पैसा पूरी ज़िंदगी लगाते रहेंगे और लुटाते रहेंगे। हाँ जी, अब लेके आ गए हैं वोडाफोन आइडिया का चार्ट। ये देखिए, इस कंपनी ने क्या किया है, यहाँ से डाउनफॉल दिखाया और लोगों ने इसमें पैसा लगाया। यहाँ पे जो फंसा इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास जो लोग फंसे वो आज तक निकल नहीं पाए। क्यों नहीं निकल पाए, देखिए मार्केट में डाउन 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 ऐसे करके क्या किया है, लोगों का पैसा लूटा है। ये देखिए, टोटल मिला के क्या रिजल्ट है, ऐसे खराब और लंका लगाने वाले शेयरों को बाय बाय टाटा कर दीजिए। अगर अब भी आपके पास हैं तो इनसे निकल जाइए, इसमें कुछ नहीं बनने वाला है, ये ना ही आगे उठने की संभावना है। अगर उठ भी गए तो इतना रिटर्न नहीं दे सकते कि आपको जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी कंपनियों में आप
दूरी बना के रखें तो अच्छा है। देखिए ये इसने हाई जो लगाया था वो 123 रुपये के आसपास है, अब फिर क्या हुआ नीचे आई 45, फिर ऊपर चली गई 72, फिर क्या हुआ नीचे आई फिर ऊपर चली गई ये कहाँ तक 71-72 तक। फिर लोगों ने सोचा अब की बार उठेगी और लोगों ने यहाँ पैसा लगाया और प्रमोटर ने माल बेचा और फिर नीचे। कंपनी का कर्जा हर रोज़ बढ़ रहा था इसलिए प्रमोटर ने अपने जो शेयर हैं गिरवी रख दिए और गिरवी रखते 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 क्या हुआ 5 रुपये पे आ गई और अब फिर लगभग आप देखिए 10 रुपये 95 पैसे के आसपास ये चल रही है। तो ऐसी कंपनियों से आपको दूरी बना के रखना है। इनका टोटल सिनेरियो क्या है आप देखिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या चल रहा है, टोटल रिटेल इन्वेस्टर को लूटा जा रहा है, कुछ नहीं है इसमें। जो भी लोग यहाँ फंसे होंगे तो आप सोचिए कहाँ तक आए होंगे। तो ऐसी कंपनियों को टाटा बाय बाय बोल दीजिए, किसी ऐसी कंपनी से दोस्ती मत करिए जो ऐसे हालात में है जिसका रुख डाउनसाइड का है। हाँ जी, जिसका रुख डाउनसाइड का है। और आपको कौन सी कंपनियाँ लेनी है जिनका रुख अपसाइड का है, ये लीजिए। अब एक चार्ट है यस बैंक का। हाँ जी, यस बैंक जो कंपनी है उसका चार्ट मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। इसमें आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो हाईलाइट हैं, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनानी उचित समझिए। देखिए यस बैंक में जो भी यहाँ पे फंसे हैं किस लेवल के ऊपर, ये देखिए ये जो लेवल था 400 के आसपास जिन्होंने भी माल खरीदा वो बेचारे क्या हो गए, देखिए पूरा पैसा लूज करके कंगाल हो गए हैं। तो ऐसी कंपनियों से बच के रहना है। तो इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद कंपनी ऊपर निकल जाएगी परंतु क्या हुआ डाउन, और फिर यहाँ से ऊपर लेके गए कंपनी को, तब रिटेल इन्वेस्टर को कुछ लगा कि ये कंपनी शायद से ऊपर चली जाए यहाँ तक फिर आ जाए, परंतु क्या हुआ प्रमोटर ने अपना माल बेच दिया और निकल गए। इसमें फंसा कौन, रिटेल इन्वेस्टर जो है वो फंसा है सस्ते के चक्कर में कि ये इतने 400-450 का शेयर था अब क्या आ गया 100 रुपये आ गया। पहले देखिए सोचा कि 160 आ गया खरीद लीजिए, हाँ यहाँ खरीदा तो ये ऊपर चला गया, तो लोगों ने सोचा ओहो ये देखो 280 के पास चला गया ये तो पैसा बन गया, फिर कंपनी फिर नीचे चली गई। यहाँ आने पे सोचा यहाँ सपोर्ट लेगा, पर क्या हुआ सपोर्ट नहीं लिया और लोगों ने यहाँ माल फिर से खरीदा और कंपनी नीचे चली गई। और अब इसकी जो हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है, आप देख पा रहे हैं 17 रुपये 35 पैसे के भाव में चल रहा है, 450 का जो शेयर था वो 17 रुपये 35 के भाव में चल रहा है। तो ऐसी कंपनियों को टाटा बाय बाय कर दीजिए। अब आप देखिए पेटीएम को, जो स्टॉक 2000 के आसपास चल रहा था उसमें क्या हुआ डाउनफॉल आया और यहाँ पे आके 1500-1400-1300 के आसपास आके कुछ स्टे बनाई। यहाँ स्टे बनाने के बाद लोगों को लगा कि ये कंपनी फिर से उठेगी और फिर वही 2000 के आसपास चली जाएगी, फिर हुआ क्या फिर नीचे चली गई। अब 1100 के पास आई कुछ उठी तो लोगों ने फिर से माल खरीदा और फिर क्या हुआ फिर कंपनी नीचे 800-900 के आसपास चली गई, फिर कंपनी थोड़ा ऊपर और फिर कंपनी में फिर फूल आया। लगातार कंपनी गिरती रही, लोग माल खरीदते रहे, ये देखिए यहाँ फिर से ऊपर लेके गए, फिर लोगों ने पैसा लगाया, फिर कंपनी नीचे। तो ऐसी कंपनियाँ क्या हैं केवल लूटने का काम कर रही हैं। आज पेटीएम देखिए, जिन्होंने 2000 पे खरीदा होगा तो आज 920-25 के आसपास चल रही है। यहाँ से भी कोई भरोसा नहीं है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी, ये फिर से नीचे जा सकती है, जैसे कि यहाँ से उठी थी यहाँ गई फिर यहाँ आ गई, यहाँ कितने पे आ गई 450-500 के आसपास आ गई
और अब 900 पे फिर से यही कमाल हो सकता है, और किसी की किस्मत अच्छी है तो कंपनी ऊपर जा सकती है, वरना ऐसी कंपनियों ने रिटेल इन्वेस्टर को लगातार लूटा है। आप देख सकते हैं 2000 से 400 पे आके बैठ गई थी, और लोगों ने सोचा ये जीरो ना हो जाए, कुछ ने यहाँ माल बेच दिया, परंतु क्या हुआ, फिर से कंपनी को ऊपर उठाया जा रहा है। और देखना कुछ दिन बाद ऐसा ही पंप डंप का खेल फिर से चलेगा। तो ऐसी कंपनियों से दूरी बनाइए जो आपको लगातार रिटर्न बना के नहीं देती। अच्छी अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाले समय में आपको अच्छी अच्छी वीडियो और भी मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।